हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू IFAS। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आपकी चल रही है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप पार्ट ए को टारगेट कर सकते हो। पार्ट ए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, नहीं आपको समझ में आता है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो क्या आप इस पीरियड में पार्ट ए को अच्छे से कर सकते हो? क्या आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर यहां पर पार्ट ए में बना सकते हो? तो इसी के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक जो सीरीज है जिसमें 25 प्लस मार्क्स गारंटीड नाम का जो सीरीज है वो स्टार्ट किया है लास्ट वीक से। तो अगर आप इस सीरीज में भी अगर जुड़ जाते हो तो बिलीव मी आप कम से कम 25 मार्क्स वहां पर लेके आ सकते हो विद अ राइट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में जैसे कि बहुत कम समय बचा है, आज हमारी 11 तारीख हो गई है, ठीक है, टुडे इज 11th of June। तो बहुत ही कम समय, लगभग 15 दिन का समय है। तो इस 15 दिन में बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आपको थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर वर्क करना है। चलो तो 25 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए इसके बारे में तो बात करेंगे ही। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्क्स तभी आपके आ पाएंगे जब ये जो हमारा सीरीज है 25 प्लस मार्क्स, इसको आप बहुत अच्छे से करते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करोगे, साथ में जो एग्जाम मैपिंग सीरीज है उसको करोगे, तब सभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सीरीज में ज्वाइन नहीं हुए हो, फर्स्ट टाइम अगर आप सीरीज का नाम सुन रहे हो, तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। तो वहां पर आपको 7 लेक्चर्स यानी कि आज की तारीख में 7-8 लेक्चर्स कुल मिला के यहाँ पर हम लोगों ने कर दिए हैं कवर। तो कौन कौन से लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं, दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं टारगेट। तो सबसे पहले हमने किया था यहाँ पर पजल के सवाल, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बार बार मैं स्टूडेंट से बताता हूँ कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पजल से मिल जाएंगे, बाकी ज्योमेट्री से आपको 2 सवाल मिल सकते हैं, बाकी स्पिन एंड टाइम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1, प्रोबेबिलिटी से 1 और क्लॉक से 1 सवाल। 20 क्वेश्चन है भाई, 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, तो इन टॉपिक से ही अगर 4 से 5 सवाल बन जाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। भाई आपको इस समय यही तो चाहिए कि ऐसे टॉपिक्स बता दो सर जिससे सवाल हर बार हर साल बनते ही बनते हैं, तो ये कर लेना आप। और कल मैंने बताया था आपको कैलेंडर, आज हमने सेशन में बात करी है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, जिससे हर बार सवाल आ रहा है। पिछले 2 साल से तो हर बार सवाल एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से आ ही रहा है, ठीक है। तो मान के चलो एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, कैलेंडर से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर क्लॉक से आया तो कैलेंडर से नहीं आएगा, कैलेंडर से आएगा तो फिर क्लॉक से आ सकता है। चलो ब्लड रिलेशनशिप, इससे 1 सवाल बन सकता है, वर्क एंड टाइम से भी 1 सवाल बन सकता है, सिमिलरली मिसिंग सीरीज, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 सवाल बनते हुए आए हैं, हर बार बनते हैं, गारंटी के साथ मैं लिख के दे रहा हूं, 2 कम से कम सवाल बनेंगे, नहीं तो 3 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो इन 2 वीक्स में ही हमने कम से कम इतना पार्ट कवर कर लिया है कि कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो सही करोगे ही करो, एटलीस्ट कह रहा हूं 10 क्वेश्चन तो इन 12 लेक्चर से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को जाके आप देख सकते हो, चैनल में लाइव वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको यहाँ पर ये लेक्चर्स बिल्कुल लाइन से दिख जाएंगे, ठीक है। और आपको सुबह जुड़ जाना है 11 बजे, वहां पर हम लाइव बात करते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं, वहां पर ज्यादा मजा आता है। आप कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है तो आप वहां पर मुझसे डायरेक्टली लाइव इंटरेक्ट करते हो और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करते हो, ठीक है। तो इतना करना है, इसके साथ साथ 10 मार्क्स से ऊपर जाना, 10 क्वेश्चन से ऊपर जाना है, यानी कि 20 प्लस मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स के आसपास अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए? इसके लिए आपको एग्जाम मैपिंग सीरीज, जो कि लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है व्हाट इज एग्जाम मैपिंग सीरीज, वहां पर एप्टीट्यूड का क्लास होता है ऑन मंडे एंड सैटरडे। तो फोर्थ एपिसोड मेरा ही रहता है, तो यानी कि ये लगभग होता है 8:30 से 9:30 के बीच में, तो वहां पर आप जुड़ सकते हो। वहां पर भी हम बहुत सारे नए नए तरह के जो टॉपिक्स हैं, नए नए तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हैं, उनको कवर करते हैं। इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सेशन के दौरान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वो भी होते हैं, लेकिन आपको खुद से जाके उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार खुद से करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हर साल दो दो शिफ्ट में पेपर होते हैं, साल में दो बार, और हर साल और हर शिफ्ट में दो बार, लाइफ साइंस की बात कर रहा हूं। बाकी सोचो कितने सारे लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सबके लिए पार्ट एक जैसा होता है, तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के लिए, जो प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे जाके आईएफएस के बुक से, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व। तो इससे अच्छा भी कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप उस बुक से जाके तो प्रैक्टिस करो। बुक भी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको आईएफएस के ऐप को इंस्टॉल करना है। आईएफएस के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां पे लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाके ऑल अबाउट सीएसआई नेट एग्जाम, उस वाले टैब पे क्लिक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर डाउनलोड कर लेने, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद फ्री मॉक टेस्ट भी वहां पर डाले गए हैं फॉर सीएसआर एप्टीट्यूड। ठीक है, सीएसआर एप्टीट्यूड के लिए 10 मॉक टेस्ट, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का सेट है, जैसे सीएसआर के अंदर होता है ना 20 क्वेश्चन में से 15 करने हैं, वैसा ही पैटर्न वहां पर फॉलो किया गया है, और 10 मॉक टेस्ट आपको, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर प्रैक्टिस, वहां पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 200 क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि आपको मन करता है वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसके 5-6 क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको दिखता है, तो इतना सफिशियंट है। सारा का सारा कॉन्टेंट फ्री है, जाइए ऐप में रजिस्टर करिए और कल से सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए। हम यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे हमारा क्लास रहता है मंडे टू सैटरडे, एग्जाम पे क्लास रहेगा, कहीं भी हम नहीं जाएंगे, तो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, और यस मेहनत करो, 25 मार्क्स तो लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो तो हम लोग मिलके 25 नंबर तो कम से कम लेके आएंगे। अभी तक कहते थे भाई पार्ट ए तो बस सर निकल जाए, बस 4-5 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन नहीं, हमको इतने अच्छे से प्रैक्टिस, अगर हम रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो क्यों भाई 25 नंबर नहीं लाने हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो आप राइट स्ट्रेटेजी, हमेशा कहते हैं पढ़ाई तो सब करते हैं, 10-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजी है वहां पे कमी है। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको पहले बनाएं, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को आपको उसमें इंक्लूड करना है, इन्हीं से ही आपका जो एग्जाम है वो निकलने वाला है। ठीक है, चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, लगे रहो, थैंक यू।